तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर दो प्याज़ा बनके तैयार है। बिल्कुल देखने में लग रहा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याज़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट तैयार किया है और दो मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट, और दो प्याज को हमने चार भागों में काट के उसके सारे लेयर्स को निकाल दिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है, जो कि अदरक हमारा एक इंच के आसपास का टुकड़ा है और 5 से 6 इंच लहसुन की कलियाँ, और यह पनीर हमने 200 ग्राम लिया है, जो कि ये हमारे घर का फ्रेश पनीर है, हमने इस प्रकार के शेप में इसे काटा है। और प्याज के लेयर्स को हमने इस प्रकार से निकाला है, बिल्कुल अलग अलग करके एक प्याज का चार भागों में काट के। तो फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और ये फ्रेश पनीर को एक बार फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई, हल्का फ्राई करना है, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। वैसे आपको डीप फ्राई पसंद हो तो कर सकते हैं, लेकिन पनीर दो प्याज़ा में सेलो फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इसे थोड़ा सा फ्राई किया है, इसे हल्का सा। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे दही के साथ मिक्स करके और हल्दी धनिया मिक्स करके एक साथ इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हमें वैसे पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो हमने ऐसे ही इसे फ्राई कर लिया है, बिल्कुल सेलो फ्राई। तो अब हम इसमें आधी चम्मच के आसपास जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा, और उसके बाद हम प्याज के पेस्ट को डालेंगे, जो हमने प्याज का जो प्योरे तैयार किया था। और इसे इसका कच्चापन निकालने के लिए फ्रेंड्स, हमें 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम पे इसे पकाएंगे। तो ये हमारा देखिए प्याज अच्छे से इसका कच्चापन निकल गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक हमने फ्रेंड्स 1 इंच के आसपास लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां। अब हम यहाँ पे सूखे मसाले का प्रयोग करेंगे। तो उसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच के आसपास हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर का हमने प्रयोग किया है। इन सबको हम मिला के इसे थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे हम, ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। पानी ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हम मसाले को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम पे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे टमाटर का प्योरे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखिए तेल कितना छोड़ दिया ऊपर और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो टमाटर के प्योरे को भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, और इसके बाद जो है हमने जो प्याज के काट को लेयर जो निकाले थे उसको अब डालेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज काट के निकाला था फ्रेंड्स। एक प्याज को 4 भागों में काट के उसके सारे लेयर्स को अलग कर देंगे, ताकि ये अच्छा लगे देखने में और खाने में भी इसका कच्चापन हल्का सा इसमें रहे। इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादा पकाएंगे तो ये गल जाएगा। पनीर दो प्याज़ा, दो प्याज़ा का मतलब ये अर्थ होता है फ्रेंड्स कि एक रेसिपी में दो तरीके से प्याज का इस्तेमाल। तो हमने एक इस्तेमाल जो है इसे पीस के प्योरे के रूप में किया है, और दूसरा जो है हमने काट के रफली चॉप किया है। तो ये देखिए हमारा प्याज मसाला सारा अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई पनीर डालेंगे। प्याज को जो हमने बाद में ऐड किया था फ्रेंड्स,
उसे हम शुरू में बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो ये प्याज बिल्कुल गल के वो फिर देखने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा और खाने में भी टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमारा पक चुका है फाइनली। अब हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे, आधी चम्मच के आसपास। तो पनीर दो प्याज़ा फ्रेंड्स फाइनली हमारा लगभग बन चुका है। तो ये देखिए खिली खिली प्याज भी नज़र आ रही है फ्रेंड्स इसमें, और पनीर भी। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर दो प्याज़ा बन के तैयार है फ्रेंड्स, बिल्कुल टेस्टी और डिलीशियस। ये देखिए है ना, बिल्कुल प्याज भी हमारा बिल्कुल खिली खिली है। तो आप भी इस रेसिपी को फ्रेंड्स अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ पे हमने एक पनीर का टुकड़ा रख लिया है इसे गार्निशिंग के लिए। तो इसे हम कद्दूकस की मदद से इसे गार्निश करेंगे। ठीक है, देखिए गार्निश करने से ये देखिए इसका कितना अच्छा देखने में ये लग रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।